इस प्लेनेट पे पेड़ पौधे लाल कलर के हैं। मिलिए केपलर 186F से। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसलिए हो सकता है कि इसके सरफेस पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता हो। लेकिन ये प्लेनेट जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो हमारे सूरज के मुकाबले काफी ठंडा और लाल है, इसलिए अगर इस ग्रह पे प्लांट मौजूद होगा तो उनका फोटोसिंथेसिस लाइट के रेड वेवलेंथ से अफेक्टेड होगा, तो इसलिए उस प्लेनेट पे मौजूद प्लांट्स कुछ ऐसे रेड कलर के होंगे। इनफैक्ट नासा ने इस ग्रह के बारे में बताते हुए इस पोस्टर को बनाया जहाँ ग्रास और प्लांट्स लाल कलर के है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी इफेक्ट हो सकता है ग्रेविटी और स्पीड की वजह से। जहाँ ग्रेविटी ज्यादा है वहाँ समय धीरे गुजरता है। आपको जरूर हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स के बारे में पता होगा, जहाँ ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि इस पर गिरी रोशनी भी कभी इससे बाहर नहीं आ सकती। यही वजह है कि ब्लैक होल के आसपास समय पृथ्वी के मुकाबले काफी धीमा गुजरता है और ब्लैक होल के अंदर समय शायद रुक ही जाता है। वैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे टाइम डायलेशन होता है। ग्राउंड के मुकाबले एयरक्राफ्ट में समय धीमा गुजरता है, लेकिन ये फर्क कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ही होता है, तभी ये उतना नोटिसेबल नहीं है। क्या होता अगर अर्थ के पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स होता? वेल, ऐसा होने से अगर आप इक्वेटर में हैं, तो आपको आसमान में कुछ ऐसे एक थिन लाइट बैंड दिखाई देता, लेकिन जितना ही आप अर्थ के अप और डाउन में जाएंगे आपको आसमान में यही रिंग्स काफी बड़े नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थ में कुछ ऐसे हमेशा ही शैडो दिखाई देते जिससे फार्मिंग में काफी परेशानी होती, और रिंग्स की वजह से रॉकेट लॉन्चिंग में भी काफी परेशानी होती, क्योंकि रॉकेट्स को रिंग्स के बीच में से होके गुजरना होता, जो कि काफी मुश्किल है।